हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम बैक टू जीके टीचिंग चैनल। फ्रेंड, आज हम आपके लिए विश्व से संबंधित कुछ जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती। जी हाँ फ्रेंड, कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं, तो फ्रेंड इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड, यदि आपको इनके आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड, इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, सुनामी, जो कि धरातल पर घटित नहीं तो होगी, तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है। जी हाँ फ्रेंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड, इसको आप नोट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, 78%। जी हाँ फ्रेंड, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती, तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है। जी हाँ फ्रेंड, फ्रेंड इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, हवाओं के रुख बदलना मानसून का तात्पर्य है। जी हाँ फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। ऑफ क्वेश्चन क्रमांक फोर्थ, चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है। फ्रेंड, इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। ओके फ्रेंड, इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। ओके फ्रेंड, इसका राइट आंसर देखते हैं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पक्षा मेघ, जो कि सबसे ऊंचा निर्मित होता है वायुमंडल में। ओके फ्रेंड, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है। जी हाँ फ्रेंड, फ्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, इसका राइट आंसर देखते हैं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, गॉर्ज, जो कि नदी के अपरदन से बन जाती है। ओके फ्रेंड, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। जी हाँ फ्रेंड, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील कहलाती है। ओके फ्रेंड, तो थर्ड आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जी हाँ फ्रेंड, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर देखते हैं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एंजल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। जी हाँ फ्रेंड, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर देखते हैं। फ्रेंड, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल जीके टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इसका राइट आंसर देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सुएज नहर, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाए, जो कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कहलाती। ओके फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। जी हाँ फ्रेंड, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका जवाब यदि आपको पता है तो आप दे सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ऑक्सीजन की खोज सोले ने की थी। जी हाँ फ्रेंड, इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड, ऑक्सीजन की खोज सोले ने की थी। ओके फ्रेंड, फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, वंदे मातरम।